मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, और बहुत कुछ छात्र जीवन से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मेरे लिए गर्व की बात, मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। मैं आप लोगों के पास ये कहने के लिए आई हुई है कि अशोक कुमार अकेला नहीं है, आप लोगों को साथी को लेके चलना है। नहीं, हरियाणा तो वैसे ही नए विकल्प की तलाश में है। सारे लोग ऐसा प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, तो स्वागत है, जो जाना चाहे वो भी जाए, जो आना चाहे उनका भी दिल खोल के स्वागत है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप पार्टी का कोई खाता हरियाणा में नहीं खुलेगा, और इसलिए जो जल्दी जितनी छोड़ जाए उतना अच्छा है। तय कि अगर अशोक तंवर जी हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल जी हों, या प्रदेश में हम बात करें, कांग्रेस ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज लड़ाई इस बात की है कि पूरी पार्टी मजबूती से आवाज़ उठाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी की है नहीं, ऐसी पार्टी है जो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है। देखिए, 10 जनपद के लिए सब बराबर हैं। देखिए, जहाँ तक मामला है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, और बहुत कुछ छात्र जीवन से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी ने दिया है। मेरे लिए गर्व की बात, मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। मैं आप लोगों के पास ये कहने के लिए आई हुई है कि अशोक कुमार अकेला नहीं है, आप लोगों को साथी को लेके चलना है, सबको लेके चलना है। उन्होंने ही हमको बोला कि दीदी जाके हमारा दोस्त को थोड़ा मीट कर लीजिए। मैंने बहुत खुश हुआ आप लोग। अच्छा, आप लोग वापस जाने का बाद आप काम शुरुआत करो, अभी से काम शुरुआत कर सकते हैं। आपको शुरुआत करने के लिए कह दिया है, आप शुरुआत करो। करने का बाद अशोक कुमार जी को एक दफे गोवा भी जाना है, और एक दफे कलकत्ता में एक मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारा, वो मीटिंग में भी जाना है। और इसका साथ साथ में पूरा हरियाणा में उन्होंने घूमेंगे, और घूमने का बाद आप लोगों को सबको बातचीत करके, आप लोगों को इन्वॉल्व करके कि आप लोगों ने उसको सबसे ज्यादा आपका ऊपर वो निर्भर करता है, तो आप लोगों ने सब मिलजुल के करके जब तैयार करेंगे मीटिंग, तो मैं हरियाणा जाने चाहती हूँ। हरियाणा हमारा घर का नजदीक है, इतना दूर नहीं है। दिल्ली हरियाणा एक ही है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान पंजाब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी जितना जल्दी अशोक जी मेरे को बुलाएंगे, इतना जल्दी हम हरियाणा में आएंगे। देखिए, सबसे पहली तैयारी तो पिछले कुछ महीने में लाखों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। एक ही पार्टी है जिसका कुनबा लगातार बढ़ रहा है इस हरियाणा के अंदर, बाकी तो सब सिमटते जा रहे हैं। हर दिन वो उठते हैं तो उनकी सियासत और रियासत दोनों छोटी होती जा रही है। अब पूरा देश जब केजरीवाल को जाता है, तो हरियाणा का लाल को एक मौका केजरीवाल को, तो व्यवस्था बदलने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से पूरा सिस्टम खत्म कर दिया इन लोगों ने पिछले 75 साल में, तो उसके खिलाफ एक मजबूत शंखनाद होगा। नहीं, हरियाणा तो वैसे ही नए विकल्प की तलाश में है, क्योंकि यहाँ विपक्ष और सत्ता दोनों मिलकर के लूटने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में जहाँ विकल्प दिखेगा, और आज पूरा हरियाणा वो आम आदमी को विकल्प देख रहा है, केजरीवाल जी को देख रहा है, तो इसलिए मौका देंगे, निश्चित तौर पर देंगे लोग। और पंजाब और दिल्ली से बड़ा मैंडेट आने वाले समय में इस हरियाणा की जनता वो आम आदमी पार्टी को देगी, और नया नेतृत्व वो इस हरियाणा में दिखेगा, जो पुराने जिस तरीके से पंजाब में था, लोगों के गढ़ माने जाते थे, तो वैसे ही गढ़ और मठ इसी तरीके से यहाँ भी टूटते हुए दिखाई देंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक संगठन जब बनता है तो उसमें हजारों लोग होते हैं। आज के दिन में 1.5 लाख तो आइडेंटिटी कार्ड होल्डर हैं आम आदमी पार्टी के। अब उनमें से कुछ साथी अगर निर्णय लेते हैं, अपना पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं, तो स्वागत है उनके डिसीजन का, लेकिन उससे संगठन पे फर्क नहीं पड़ता। 20, 50, 100 लोग अगर 1.5 लाख लोगों में से अगर चले भी जाएंगे, तो उतने साथी तो रोजाना ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये मैं इसको ऐसे कहता हूं कि ये एक ट्रेन है जो आम आदमी पार्टी की चली है, और इसका फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। बीच में बहुत से स्टॉप आएंगे, कुछ साथी चढ़ेंगे, कुछ साथी उतर भी जाएंगे। उनके बस की नहीं होगी इस तरीके का प्रेशर झेलना या ऐसी राजनीति करना जो आम आदमी पार्टी लोगों की खुलेआम राजनीति करती है और सीधे सरकार से टकराव मोल लेती है। सारे लोग ऐसा प्रेशर नहीं झेल पाते हैं।
तो स्वागत है, जो जाना चाहे वो भी जाए, जो आना चाहे उनका भी दिल खोल के स्वागत है। देखिए ठीक, वो पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे और कांग्रेस से ही पीड़ित होकर बाहर आए थे और अब कांग्रेस वहीं जा रही है, तो दोनों मिल रहे हैं आप। और वो वैसे तो आपका कोई भविष्य भी नहीं हरियाणा में, सभी नेता छोड़ छोड़ कर ही आ रहे हैं। भविष्य मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप पार्टी का कोई खाता हरियाणा में नहीं खुलेगा, और इसलिए जो जल्दी जितनी छोड़ जाए उतना अच्छा है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और इसमें जो निर्णय है वो शीर्ष नेतृत्व लेता है, और मुझे बड़ी हैरानी है इस बात की कि हमारे आदरणीय जो प्रभारी जी हैं वो तो सभी कार्यकर्ताओं से समय समय पर मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं टोटल काउंट करूं तो अब तक शायद हो सकता है कि कोई 40-50 बार उनसे मैं मिल चुकी होंगी। तो ऐसे उसमें जो है जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक मुझे भी अजीबोगरीब लगा कि अगर हमारे हम संगठन मंत्री जी से, हमारे हमारे प्रभारी जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, एक सांसद होने के नाते हम मिलेंगे अगर, तो क्या उसका जो है कुछ ना कुछ इस तरह का मतलब निकाला जाएगा। और जहाँ तक बात है हमारे भाई अशोक तंवर जी, वो हमारी पार्टी में अगर आते हैं, हमारी पार्टी से जो विचारधारा से अगर वो इत्तेफाक रखते हैं, अगर आम आदमी पार्टी जो है वो उसमें सेवा जो है वो जो करना चाहते हैं वो उसमें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और हमारी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो एक बड़े सुलझे हुए और बड़े अनुभवी नेता हैं, और आप ये देखिए कि मेरे माता जी का स्वर्गवास हुआ तो वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो संवेदना व्यक्त करने आए। तो ऐसे उसमें जो है मुझे लगता है कि अगर अशोक तंवर जी हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक बात है टिकट की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसकी एक प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है। मैं अभी जो है मौजूदा सांसद हूँ और मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय लेता है। आप दावेदारी कर रही हैं सिरसा लोकसभा सीट से? देखिए मैंने जैसा पहले आपको बताया कि मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, और संगठन जो है वो निर्णय लेता है। अगर संगठन जो है वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या जो है वो सिरसा लोकसभा से लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते हैं, तो मेरा जवाब जो है वो हाँ में है, और बिल्कुल मैं सिरसा लोकसभा की जो जनता है उसकी सेवा करना चाहती हूँ जिस तरह से मैंने पिछले 5 सालों में की है।